दोस्तों मुद्रा उत्सव में एक सब्सक्राइबर एक कलेक्टर मिले हैं और कलेक्शन भी ऐसा करते हैं ये जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ऐसा कलेक्शन बहुत कम कलेक्टर्स करते हैं। मैं जितने भी कलेक्टर्स को जानता हूँ उनमें से कुछ कलेक्टर्स हैं बस ऐसे जो इस तरह का रेयर कलेक्शन करते हैं। तो आगे हम ये जो साथ में मेरे बैठे हैं सब्सक्राइबर कलेक्टर, इनके कलेक्शन को भी देखेंगे और समझेंगे उस कलेक्शन में क्या खास है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है संदीप पांडे जी, मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ जी। और एक्चुअली मैं हाँ जी मेडल्स में और ब्रिटिश नोट जी और कुछ गोल्ड कॉइन्स जो है मुगल्स के या ब्रिटिश के करता हूं। हाँ जी जी, कब से कर रहे हैं कलेक्शन, कितना टाइम हो गया है? मैं 43 साल का हूँ और हॉबी तो मैं 11 साल का था तब से मैं ये कर रहा हूँ। जब आप 11 साल के थे तब से कर रहे हो और अभी आपकी एज 43 ईयर्स है। कैसा कलेक्शन है दिखाइए? मैं यहाँ पे आपको छोटा सा कलेक्शन है मेरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, और मतलब हिस्टोरिकल एंटिक चीजों का ही मैं कलेक्शन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेडल मेरा मेन थीम है जी जी जी, वो भी मैं बिफोर इंडिपेंडेंट। हाँ जी हाँ जी, आजादी से पहले के वर्ल्ड वॉर के मेडल और कुछ टोकन भी करता हूँ जी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के भी मेडल है आपके पास? दिखाइए मुझे। देखिए ये एक मेडल, ये है वर्ल्ड वॉर का, एक ये है। ये तो इसकी हिस्ट्री है बताइए। ये तीन मेडल जो है, हाँ जी हाँ जी, इसमें एक घोड़े वाला इसको बोलते हैं जी, 1914 1918 हाँ जी, इतने वर्ल्ड वॉर चला था। एक इसको स्टार बोलते हैं 1914-15 स्टार। हाँ जी, एक इसको बोलते हैं एंजल जी। ये वर्ल्ड वॉर में से जो सिपाही इंडियन जो ट्रूप्स गया था उनको सिपाहियों को ये मिलता था इंडिया की तरफ से, जो सिपाही गए वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिस्सा लेने उन्हें उनको ये मिला मिलता था। ठीक है, तो ये एक आदमी को तीन मिलते थे, एक आदमी को तीन। ठीक है, इसमें इनकी नेमिंग होती थी, देखिए नाम है ना। ठीक है, अलग अलग नाम का है ये, जैसे नाम लिखा है आप मुझे नाम दिखाइए, क्या नाम है इसका? अच्छा ठीक है, ऐसे इसके रिम में नाम लिखा होता है, इसकी एज पे नाम होता है। दिखाइए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये देखिए इसकी भी है। अगर ये तीनों जी एक ही नाम के होते हैं, वैसे तो ये मान लो 2500 का हुआ जी, ये 1000 का हुआ, ये 1000 का हुआ जी, लेकिन अगर तीनों एक ही नाम के हुए तो 15 से 14 हजार तक, यानी कि फिर ये पूरा कलेक्शन सेम हो जाएगा। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति को ये तीनों मिले हुए थे और वो पूरा कलेक्शन हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, पूरा ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप तो वो रेयर हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी तरह मतलब आते हैं ये एक मेडल देखिए पर्सिया का है ये। हाँ जी हाँ जी, ये नॉर्थ वेस्ट पर्सिया है। ठीक है, ये पर्सियन मेडल है, ये इंडियन सिपाही जो पर्सिया में भी गए थे जी तो उनको ये मेडल मिले थे। तो ये काफी महंगा होता है चांदी, इसका मेटल क्या है? ये सिल्वर के होते हैं लेकिन रेयरिटी मतलब कॉपर के भी महंगे होते हैं। हाँ जी हाँ जी, ब्रास के भी महंगे होते हैं, बस ये क्या इतना पुराना है, कितना पुराना है ये। अभी देखिए एक अपना आजादी के बाद का है, ये इंडियन मेडल है जो विदेश सेवा मेडल है। हाँ जी हाँ जी, जो यहाँ से भारतीय सेना जाती है यूनाइटेड नेशन में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पे जब काम करते हैं तो वो उनको मेडल मिलता है। इसमें लिखा है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे जिस सिपाही का था वो गए होंगे, तो इस पे भी नाम लिखा होता है, इसमें भी नाम नंबर रैंक सब लिखा रहता है, इसकी एज पे सबका नाम लिखा होता है। ठीक है, पूरा इसका इन्फॉर्मेशन पूरा नेट पे, पूरा जो इंडियन आर्मी है या फिर ब्रिटिश का रो वो आपको पूरा मिल जाता है, किसका था केस हुआ मिलता है। तो ये मैं करता हूँ, बहस भी है। तो मेनली आप मेडल्स का ही कलेक्शन करते हैं, और दिखाइए कोई इंटरेस्टिंग किसी के पीछे हिस्ट्री कोई हो। ये देखिए एक मेडल है, ये एडवर्ड जब इंडिया में आए थे, हाँ जी, उसको बोला जाता है रॉयल हाइनेस जो है बॉम्बे में आए थे, बॉम्बे विजिट इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी में एक पटना विजिट भी आता है, वो गोले में होता है पटना विजिट वाला। ये एडवर्ड आए थे जो इंडिया में आए थे, उनके उसपे ये दिया गया था जी, जी, ना जी, जी, बॉम्बे विजिट। तो ये किन लोगों को दिया गया था? ये यहाँ के लोगों को दिया गया था, कुछ सिपाहियों को भी दिया गया। हाँ जी हाँ जी, 1941 इसी तरह और भी सारे कलेक्शन है मेरे घर पर आए, तो मैं थोड़ा सा अभी बाकी मेडल का कलेक्शन आपके घर पर है कलेक्शन में, ये कुछ दिखाए आपने मुझे। देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। हाँ दिखाइए, ये बताइए क्या बता रहे थे आप पांडे जी? मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। हाँ हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडियन और जो मित्र राष्ट्र की सेनाएं थी, हाँ जी हाँ जी,
तो उनके जो सिपाही जैसे इस बॉक्स में क्या फ्रांस लिखा हुआ है, जापान लिखा हुआ है, रशिया लिखा हुआ है, ये सारी ऐसी कंट्री लिखा हुआ है जी। तो इनके सिपाही जब वार लड़ाई में जाते थे तो क्रिसमस पे एक बॉक्स दिया गया था, क्रिसमस पे ठीक है ना, क्रिसमस 1914। अच्छा, इतना पुराना है ये। तो इसमें चॉकलेट होती थी। अच्छा, तो ये चॉकलेट ऐसी भी होती थी जब एक बार आदमी खाता था तो 3 दिन उसको भूख नहीं लगती थी। मतलब इस बॉक्स के अंदर ऐसी चॉकलेट होती थी जो उसको खाने पे 3 दिन भूख नहीं लगती, 3 दिन भूख नहीं लगती थी। तो वो क्रिसमस पे दिया गया था। हाँ, ये सर्वाइव, यानी कि ये बॉक्स भी करीब 107-108 साल पुराना है। ये बॉक्स भी 90 इसमें लिखा डेट लिखी हुई ना। बॉक्स का मेटल क्या है इसका? ये ब्रॉन्ज का है, ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों ये बॉक्स भी इनका काफी हिस्टोरिकल है और अंदर जो मेडल है ये तो अपने आप में हिस्टोरिकल है ही, वर्ल्ड वॉर सेकंड के भी है, कुछ अलग अलग ओकेशन में मेडल दिए गए बाकी। हाँ जी, मेडल कलेक्शन करने का यही थीम है मेरा कि आने वाली जनरेशन, वो एक सिपाही था कहाँ गया, क्यों लड़ा, हाँ जी इसके लिए लड़ा। हमारे देश में बहुत सारे बहादुर सिपाही हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिन जिनको अभी लोगों ने अभी उसको जाना ही नहीं उसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ आने वाली जनरेशन उसको जाने और कलेक्शन करे, चूंकि क्वाइंस तो हजारों छपे हैं, करोड़ों छपे हैं, लेकिन मेडल बहुत लिमिट, मेडल बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हाँ जी, बहुत कम ही लोगों को बहादुरी का मेडल मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। लोग आज भी गांव में कहते हैं इसको तमका मिला है, तमका मिला है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप मेनली इसी को तमका या मेडल कहते हैं, तो आप मेनली मेडल का ही कलेक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।